नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हा छ त्र और ज्ञ लिखना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं हा के लिए मार्किंग कर रहा हूँ। तो यहाँ ये 2 इंच होगा। सबसे पहले 2 इंच का इस तरह से लाइनिंग कर लें, ऊपर से करीब 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा जगह छोड़ कर करें 1 फुट का अक्षर के लिए। और ये हमारा खड़ी लकीर 3/4 इंच का रहेगा। अब ये वाला घुमाओ जो है ये 3/4 इंच से धीरे धीरे घटते हुए 2 इंच के बराबर पहुंचना चाहिए। हालांकि जो नीचे वाला गोलाई ऊपर आ जाएगा तो इसलिए 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन ये वाला घुमाओ 3/4 इंच रहेगा। उसके बाद ये कम हो जाएगा, ये 3/4 इंच होना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे उसको घटाते जाना है। अब ये नीचे वाला गोलाई है हा का, इसको आप सुविधा के लिए पूरा गोल कर लें इस तरह से। सिर्फ सपोर्ट लेना है इस गोलाई का। हालांकि नीचे का जो पूंछ है हा का वह थोड़ा नीचे की ओर उतरता है, इसलिए ये गोलाई सिर्फ ऊपर वाले और दाएं बाएं के लिए ही सपोर्ट का काम करेगा। अगर आप नए हैं तो इस तरह से आप गोलाकार नहीं, ये अंडाकार है, तो इस तरह से आप पहले शेप बना लें, उसके बाद ही उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ 2 इंच, यहाँ 2 इंच, यहाँ 3/4 इंच और इस और 3/4 इंच। अब इसको ये वाला पोर्शन को आप जितना ऊपर से घुमा सकते हैं सटाकर उतना अच्छा रहेगा, अन्यथा वो ज़्यादा जगह घेर लेगा, फिर नीचे की और ज़्यादा उतर जाएगा हा, इसलिए उसको थोड़ा ऊपर से सटा के ही घुमाना है इस तरह से। अब ये वाला घुमाओ को देखिए, ये नीचे उतर रहा है हा, तो इस तरह से इसको आप नीचे उतार सकते हैं। यहाँ में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 2 इंच रहेगा ये वाला पोर्शन। तो इस तरह से आप अंडाकार शेप देकर, जैसा कि तलवेसा में हमने किया था, जहाँ कहीं भी इस तरह का मौका लगे आप उसको इस तरह से गोलाकार शेप देकर ही अगर मार्किंग करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा नए हैं तो, अन्यथा आप बिना मार्किंग का भी लिख सकते हैं अगर आपको आइडिया हो गया है तो। इस आइडिया, अगर बिना मार्किंग का लिखना है तो इस आइडिया को दिमाग में रखना है कि नीचे वाला इस वाला पोर्शन का हमको गोल शेप में लेन रखना है। यहाँ मैं मूर्धन्य सा और दंत सा इस वीडियो में लिख कर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए आप पा वाला वीडियो और खा वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे सपोर्ट लेकर आप मूर्धन्य सा और दंत सा लिख सकते हैं। समता ये इस सीरीज का आखिरी वीडियो है और इसके बाद हम दूसरे तरह का फॉन्ट को लिखना सीखेंगे। और भी बहुत सारा कुछ है मेरे पिटारे पर, तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। बहुत सारा भी कलर मिक्सिंग का एक वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ। इस सीरीज के अक्षरों में अगर किसी में कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर जवाब दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो वीडियो भी बनाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई और बताने लायक कुछ है इस वाले फॉन्ट के सीरीज में। इसका बहुत सारा वीडियो हो गया, ये 7वां 8वां नंबर का वीडियो है, तो इसलिए ये इस फॉन्ट को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उसके बाद नए फॉन्ट की ओर अग्रसर होंगे। इसमें हर्षिकार दीर्घकार के लिए भी यही ट्रिक अपनाया जाना है, 3/4 इंच और 2 इंच, जो कि मेरा मेजरमेंट है। आप
जिस मेजरमेंट में लिखना चाहते हैं उस मेजरमेंट में इसके हर्षिकार और दीर्घिकार को बना सकते हैं। अंडाकार शेप लेना है इस तरह से, जैसे हा का अंडाकार शेप है नीचे वाला, उस तरह से अंडाकार शेप बनाकर आप हर्षिकार दीर्घिकार या हर्षुकार दीर्घुकार आदि लिख सकते हैं। उसे आप अपना हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगता है। मेजरमेंट ऐसा रखना है ऊपर से नीचे की ओर जो भाग है, तो 3 इंच वाला मेरा जो भाग है उसको आप अधिक रखें और दाएं से बाएं वाला जो पोर्शन होता है उसको कम रखें। मेजरमेंट आप जैसा मेजरमेंट रखते हैं वैसा ही इसका ये वाला पोर्शन को आप बढ़ा सकते हैं अपना हिसाब से जितना आपको ज़रूरत लगे, और भी बढ़ाया जा सकता है, मैंने तो इतना ही बढ़ाया है ये पूछ को। तो ये हाँ लगभग कंप्लीट है। तो आपने देखा किस तरह मैंने अंडाकार शेप बनाकर सपोर्ट लेकर इसको लिखा है, तो उसी तरह आप भी सपोर्ट लेकर लिख सकते हैं। किसी भी अक्षर को जहाँ गोलाकार शेप करना है वहाँ पूरा गोल बनाकर आप सपोर्ट ले सकते हैं। के बाद लिखेंगे हम छ, तो जैसा कि हम गोल शेप का सहारा ले रहे हैं तो यहाँ भी हम गोल शेप यानी कि अंडाकार शेप को, अंडाकार शेप में ऊपर वाला पोर्शन को बना लेते हैं। यहाँ से 3.5 इंच, ये 2 इंच पहले इस और कर लेते हैं मार्किंग। ये आप देख रहे हैं छ का मैं ऊपरी भाग को अंडाकार शेप में बना रहा हूँ, तो मेजरमेंट वही है 3.5 इंच और 2 इंच। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट ले लेना है और इस तरह ऊपर वाला भाग को अंडाकार शेप दे देना है। ये लगभग हो गया है। और छ का ये नीचे वाला भाग को हम बनाएंगे, तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं या इस वाला भाग को भी एक अंडाकार शेप दे सकते हैं और उसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, आपको मैं बता दूं आप फील्ड में भी कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो। ज़्यादातर देखिए ये जो 1 फुट का अक्षर आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, एक्चुअली में ये अक्षर ज़्यादातर ऊपर में हाइट में ही लिखा जाता है, तो आप इस तरह से उसमें थोड़ा सा समय देकर आपको इसको लिखना पड़ेगा। हाइट का काम कैसे किया जाता है इसके बारे में भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, धीरे धीरे सब आएगा, जैसा मुझे उचित लग रहा है उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाता आ रहा हूँ। तो ये इस तरह से आप सपोर्ट के लिए अंडाकार शेप दे सकते हैं। ये वाला गोलाई में बीच में गैप नहीं देना है, नीचे वाला गोलाई में छा में खासकर, बाकी द और ढाई सब में आदि सब में दे सकते हैं इसमें नीचे में, नीचे क्योंकि ऊपर एक गोलाकार है अंडाकार शेप में मैं तो अक्षर लिख रहा हूँ, लेकिन गोल एक गोलाई भाग ऊपर में है तो उसमें गैप देना है और नीचे वाला में गैप नहीं देना है। इसके बाद खड़ी लकीर के साथ जो एक कनेक्टर है छा को, जो खड़ी लकीर से कनेक्ट करता है उसको पूरा उससे हटाना नहीं है, थोड़ा गैप में रखना है उसको दूर, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है, तो ये छा हो जाएगा कंप्लीट। बाकी आप अपने हिसाब से अगर कोई अच्छा कर सकते हैं तो जरूर करें। आउटलाइन को फिनिशिंग में ध्यान देंगे इस तरह से।
ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन 3.5 इंच है मैंने लिया है, लेकिन जो ऊपर से नीचे के घूमते हुए आया वहाँ बीच में थोड़ा सा पतला करना है। पतला यानी कि 2 इंच भी नहीं, 3.5 इंच भी नहीं, उसके बीच का जो कि तिरछा लकीर में हम लोग करते हैं, और ये वाला 2 इंच रहेगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन भी ना 2 इंच ना 3.5 इंच, उससे 3.5 इंच से कम, 2 इंच से ज़्यादा, ये वाला पोर्शन भी वैसा ही मेजरमेंट में आएगा। इसके बाद हम लिखेंगे तरह तरह के लिए, कोई निश्चित ये नहीं है, सब अपने तरह से लिखते हैं, तो इसलिए मैं इसके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि आपको जो अच्छा लगे उस तरह से लिख लें तरह को। जिसमें आपका हाथ अच्छा चलता है, जिस तरह से आप अच्छा से लिख सकते हैं वैसा ही लिखने का प्रयास करें। तरह बहुत ज़्यादा लिखा जाने वाला अक्षर नहीं है, तो आप अपना हिसाब से लिख सकते हैं। फिर भी मैं ये 2 तरह से लिख कर दिखा रहा हूँ, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिखेंगे, हल्का कुछ चेंजिंग करके। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से तरह लिखता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा बेंड करते हुए लेके जाना है इसको। और इसमें क्योंकि दोनों ही तिरछे लकीर हैं, ना सीधा ना दाएं बाएं, इसलिए उसका मेजरमेंट भी थोड़ा अलग होता है। जैसा कि मैंने बताया है कि तिरछा वाला ना 2 इंच में आएगा ना 3.5 इंच में आएगा, वो बीच का रहता है। तो तरह को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख कर दिखा रहा हूँ इस तरह से। उसको ये वाला पोर्शन का और गोलाई कर सकते हैं, वो आप अपना हिसाब से कस्टमाइज कर लें, लेकिन इस लकीर को सीधा करना पड़ेगा इस तरह से अगर आप लिख रहे हैं तो। ये मैं थोड़ा बेंड करके लिखा था इससे पहले वाला में तरह में, इसको अब सीधा करना होगा इस तरह से अगर लिखना है तो। तो ये तरह भी लगभग कंप्लीट है, बाकी जो भी फिनिशिंग करना है वो आप अपने हिसाब से कर लें। तरह के बाद हम लिखेंगे ज्ञान। तो ज्ञान लिखने के लिए आप हर्षई वाला वीडियो देख सकते हैं, एकदम हर्षई ही लिखना है समझ लीजिए। सिर्फ ये जो ऊपर वाला लकीर है वो ऊपर वाले लाइनिंग से नहीं मिलेगा, ये यहाँ नीचे से उतर कर रहेगा, और ये सीधी खड़ी लकीर से मिला देना है। यहाँ हम इसका 2 पार्ट ले लेंगे, 2-2 इंच का, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट और ले लेंगे अपना गैप, लगभग 1 इंच का गैप देकर, फिर 2 इंच, ये आप 2 पार्ट ले लें। उसके बाद यहाँ से अक्षरों के साइज के हिसाब से सभी अक्षर समान तो नहीं कहूँगा, कोई अक्षर का बनावट ही ऐसा होता है कि उसको बड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि फॉन्ट लगे कि हाँ समान है। तो ये मैं हाथ ही बना रहा हूँ, सिर्फ ऊपर का जो मिलता है लकीर में वो ऊपर वाले लकीर में ना मिलकर सीधी खड़ी लकीर में मिलाना है, तो वो बन जाएगा ज्ञान। यहाँ से ये 2 इंच, यहाँ पर 3.5 इंच, और यहाँ 2 इंच, फिर इधर ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पर 3.5 इंच। देखिए ये पोर्शन, इस गोलाई का पोर्शन यहाँ 3.5 इंच होगा, इसमें ध्यान दीजिए, ये यहाँ 3.5 इंच है, लेकिन वो धीरे धीरे घटते जाएगा इधर नीचे आकर,
तो चूँकि हमको सटा कर नहीं लेना है, थोड़ा नीचे से लेना है, तो 3.25 इंच से कम, यानी कि ये वाला जो पूँछ है वो 3.25 इंच से कम हो जाएगा, क्योंकि ये तिरछा है, सीधा भी नहीं है, दाएं बाएं भी नहीं है, तिरछा है। तो तिरछा वाला के लिए 2 इंच भी नहीं होगा, 3.25 इंच भी नहीं होगा। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इस बात को हमेशा ये वाला फॉन्ट लिखते समय ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इसे रंग भर देना है इसमें, ये वाला बात मैं कर रहा था। ये देखिए, ये हरसई ही मैंने लिखा है, समझ लीजिए, आप हरसई वाला वीडियो देख सकते हैं। तो हरसई और हरसई को जब हम सीधी खड़ी लकीर से मिला देते हैं तो वो ज्ञा बन जाता है, बस यही करना है और कुछ नहीं। ये वाला पूंछ को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, दूसरा तरह से अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से कर लें। जैसा कि हरसई में मैंने एक बार बताया भी है, हरसई वाला वीडियो में, कि किस तरह से आप पूंछ को अलग अलग तरह से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये ज्ञान भी लगभग कंप्लीट हो गया है, तो यह वीडियो और ये इस फॉन्ट का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है, और इसके बाद हम दूसरा तरह का फॉन्ट और अक्षरों को लिखना सीखेंगे। और कुछ पिक्चर के बारे में भी कमेंट्स आ रहे हैं, पिक्चर कैसे बनाया जाता है, तो पिक्चर के लिए भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा। हालांकि पिक्चर मैं उतना अच्छा नहीं बनाता हूँ, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।